जब मैंने शुरुआत की इस कैरेक्टर से, इट वॉज लाइक बहुत ही हमने वर्कशॉप्स किए एंड फर्स्ट डे सलमान खान, लास्ट डे ऑफ द शूट मिस्टर शाहरुख खान, डू वी एक्सपेक्ट मिस्टर आमिर खान ना रिलीज द फिल्म? या एक्चुअली एक जोक हुआ, मैंने अपने डायरेक्टर मिस्टर आनंद महादेवन से कहा कि मैं फर्स्ट डे ऑफ माय शूट आई मेट सलमान खान एंड लास्ट डे ऑफ माय शूट आई मेट शाहरुख खान, तो उन्होंने ऐसा मजाक किया, इन बिटवीन यू डिडंट मीट मिस्टर आमिर खान, ये ऐसा एक जोक हुआ, होपफुली आई थिंक उनसे भी मिलना होगा एंड आई होप वो जल्दी हो। सोनाली, फिल्म को लेकर काफी पॉजिटिव बज है जी, आपके अगर कैरेक्टर की बात करी जाए, किस तरह किरदार निभाती आप नजर आएंगी और कितना, जैसे आपने कहा माय कैरेक्टर इज वेरी कॉमन हु कनेक्टिंग एवरीवन इन द फिल्म, यस प्लीज लेट अस नो अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म। जी, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत शेड्स है मेरे कैरेक्टर में, राइट फ्रॉम सिंपल टू बीइंग ग्लैमरस, और प्रैक्टिकली ये जो ज़ारा कैरेक्टर है वो बहुत ही फियर्स है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, उसकी जर्नी के वो कैसी बॉम्बे सिटी, कैसी मुंबई सिटी में आती है और उसकी जर्नी कैसी है, तो बहुत ही चैलेंजिंग रोल है और मैनी शेड्स आर देयर एंड जब मैंने शुरुआत की इस कैरेक्टर से, इट वाज लाइक बहुत ही हमने वर्कशॉप्स किए एंड आई थिंक आई होप ऑडियंस लाइक इट, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है ये कैरेक्टर पे एंड इवन माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, दे हैव रियली वर्कड हार्ड, इट्स अ टीम एफर्ट। ओके, जैसे आपने कहा कि बहुत चैलेंजिंग किरदार है जी, तो आप ये कहना चाहती हैं कहीं आपको लगता है कि योर कैरेक्टर इज मोर स्ट्रांग देन ज़ोया अफरोज? यस यस, एंड यू विल सी दैट इन द मूवी, यू आर श्योर अबाउट इट? ऑफ कोर्स, I think newspaper mein aaya hai that the story revolves around this character Zara Fernandez, uske death ke bare mein hai and the title however whichever way the expose is on this character Zara Peter Fernandez. Okay, khabre bhi aa rahi thi you have a cat fight with Zara Afroz, please clarify. Actually movie mein cat fight hai aur reality mein aisa kuch nahi hua, हमारे रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल है, बहुत ही फ्रेंडली है, हम दोनों यू नो वी हैव गॉन पार्टिंग, वी हैड लाइक लंच डिनर्स टुगेदर, देयर इज नो थ्रेट टू इट, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है, वी आर वेरी फ्रेंडली। ओके, क्या एक्सपेक्टेशन है और जब आप, अब तक क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिले हैं आपको फिल्म को लेकर, प्रोमो के रिलीज के बाद, गानों के ऑन एयर होने के बाद? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली सबको मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है एंड वो बोले कि जब उन्होंने मेरा उज्जवल निर्मल शीतल लुक जो देखा, जो सत्यम शिवम सुंदरम के रेफरेंस पे है, तो मुझे बहुत सी कॉम्प्लीमेंट्स आई और उन्होंने बोला कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दी क्लासिक लुक ऑफ दी राज कपूर इज़ बैक, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने किसी को देखा ये करते हुए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई एम द फर्स्ट गर्ल जो यू नो हु इज़ एपिंग मिस जीनत अमान्स कैरेक्टर एंड द रेफरेंस फ्रॉम सत्यम शिवम सुंदरम एंड वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा लुक जो है वो बहुत अप्रिशिएट हुआ है, मूवी का लुक बहुत अप्रिशिएट हुआ है, गाने बहुत हिट हुए हैं, सो इट्स वेरी पॉजिटिव, सब कुछ लाइक इट्स गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, आई एम वेरी हैप्पी। खबर ये भी आई थी, सुना कि आपने कुछ कुछ सीन्स वगैरह एडिट करने के लिए कहा, प्लीज अगेन दैट्स पब्लिसिटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मुझे ये स्क्रिप्ट दी गई थी मुझे एकदम मतलब क्लियर बताया गया था दिस इज़ द रेफरेंस, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, और ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी, ऐसा नहीं है कि कुछ करने के लिए करना था, स्क्रिप्ट 60s में बेस्ड है, तभी का सिनेमा कैसे था, कैसी शुरुआत हुई, इट वाज अ वेरी ग्लैमरस टाइम और आई डिडंट, मैंने कुछ एडिट कुछ नहीं करने के लिए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, एंड जब मैंने ये उज्जवल निर्मल शीतल कैरेक्टर किया वेरी कम्फर्टेबल एंड आई जस्ट डिड इट इन वन गो, और जब मैंने देखा इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल शो।